हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपको मेरे किचन में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोभी मटर की सब्जी। देखिए, गोभी को हमने इस तरह से काट लिए हैं और एक काटे हैं दो आलू बड़े बड़े और एक प्याज मटर। ये कढ़ाई को हमने गर्म कर लिया है, तो अब हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। गोभी आलू रिफाइंड ऑयल में ज़्यादा अच्छा बनता है। गर्म हो चुकी है तो अब हम इसमें डाल देंगे दो तेज़पत्ता। तेज़पत्ता जल चुका है, अब हम इसमें सब्जी डाल देंगे। तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे आलू और प्याज। देखिए, आलू प्याज थोड़ी भुन चुकी है, तो अब हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसको मिलाएंगे अच्छे से। तो आलू प्याज नमक डालने के बाद अच्छे से भुन चुके हैं, तो अब हम इसमें डाल देंगे गोभी। हम इसको ढक ढक कर भूजेंगे थोड़ी सी। तो अब हम गोभी का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो हमने लिया है अदरक दो दो चार पाँच लहसुन पाउडर। हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। बना लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। लिए हैं दो टमाटर छोटा छोटा, तो इसको हम छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। ये देखिए, गोभी नमक से पक चुकी है, तो अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा भून चुकी है, तो अब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई टमाटर। इसको अच्छे से मिला लेंगे, इसको थोड़ी देर में भूजेंगे। टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भूज गई है, तो अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर, क्वार्टर चम्मच काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर आधी चम्मच, हल्दी एक चम्मच, मिर्च पाउडर एक चम्मच। ये मसाले सारे डाल दिए हैं, आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, थोड़ी सी भूजेंगे। और सब्जी दोनों अच्छी तरह से भूज भी गई है और पक भी गई है, तो अब हम इसमें डाल देंगे मटर और इसको मिला लेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे पानी, थोड़ी सी पानी इसमें डालेंगे। थोड़ी गड़ी भी रखना है, इसलिए थोड़ी सी इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। ढक देंगे और दो मिनट तक पकाएंगे। सब्जी उबल चुकी है, अब हम इसमें डाल देंगे हाफ चम्मच गरम मसाला। सब्जी बिल्कुल पककर तैयार हो गई, तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी धनिया पत्ता। अब हम डाल देंगे इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी पत्ता। देखिए गाइस, आलू मटर और गोभी की सब्जी बिल्कुल ही फटाफट दो से तीन मिनट में तैयार हो गई, बनकर रेडी। इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही, बहुत अच्छी सब्जी बनी है ये। तो ये सब्जी बिल्कुल ही गाढ़ी और अच्छी बनी है।